हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.4 को। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। बोला गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, जिसकी रेडियस हमें ये दे रखी है। बेसिकली फ्रेंड, हमारा जो स्पीयर होगा वो कुछ ऐसा होगा जिसका सेंटर ये होगा, ठीक है, और इस सेंटर से जाने वाली ये कौन होगी, मेरी रेडियस होगी। तो रेडियस फ्रेंड मेरे को तीन अलग अलग दे रखी है। पहले हम पार्ट वन को सॉल्व करेंगे, फिर पार्ट टू को, पार्ट थ्री को। बेसिकली फ्रेंड, जो स्पेयर है मेरा वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि मेरी ये बॉल है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है किसका, स्पेयर का, जो इसके अंदर सेंटर होगा यानी कि बीच का पॉइंट होगा, वहाँ से खींचे जाने वाले कौन होगी, इसकी रेडियस होगी। तो इसका सरफेस एरिया का मतलब क्या होता फ्रेंड, जो हमें रेड कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये निकालना है हमें। और इसका सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 4πr² तो 1/1 करके हम इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले रेडियस दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, और हमें पूछा गया सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, ठीक है, यानी कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो फ्रेंड, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने फॉर्मूला होगा 4πr², 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर दे रखा 10.5, एक बार लिखा, दो बार लिखा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है और स्क्वायर का मतलब होता है इसको दो बार लिखना। अब इसमें डिवाइड देंगे, ठीक है, 7 × 7 = 3, 7 × 5 = 35, ठीक है फ्रेंड। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 22 = 1.5 × 10.5, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इसका आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। जैसे मैंने पार्ट वन सॉल्व किया, वैसे ही पार्ट टू सॉल्व करेंगे। इस बार हम रेडियस की वैल्यू कितनी लेंगे, 5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखूँगा मैं सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, ठीक है, यानी कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। फ्रेंड, फॉर्मूला मेरा वही रहेगा, 4πr², बस डिजिट बदल जाएगी। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.6, एक बार लिखेंगे, दो बार लिखेंगे, क्योंकि स्केल लगा हुआ है। कितना आ गया, 0.8 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये कितना है, 0.8, 5.6, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इनका आंसर आ जाएगा फ्रेंड 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा पार्ट टू हो गया। अब चलते हैं पार्ट थ्री पे। पार्ट थ्री में हमें दे रखा है r = 14, दे रखा 14 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर भी हमसे वैसे निकाल लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फ्रेंड, फॉर्मूला तो मेरा वही रहेगा, 4πr², 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर दे रखा 14 × 14, 7 × 2 = 14, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 28 आया। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 88 × 28, तो मल्टीप्लाई करने फ्रेंड मेरा आंसर आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। और इसी के साथ फ्रेंड मेरा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं, और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके, बाय बाय, थैंक यू।